इस पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा है और ये पार्टिकल दे रही है मान लो 20 मीटर पर सेकंड दे रही 37 डिग्री पे, तो दो मान लो ए है, ए को रेस्ट से छोड़ा, बी इधर था और इनके बीच में हाइट मान लो कितनी बननी है, ले लो 40 मीटर ले लो हाइट, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, देखने में सोचो असलियत में कितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ये ऐसे गिर रहा है और ये ऐसे जा रहा है, उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन, तो मैथ्स भी लगाओगे इतनी डिफिकल्ट वाली मैथ्स लगेगी। क्या लेट हो जाते हो यार सुबह सुबह? हाँ क्या तो भैया क्या गए तो अच्छी बात है, पर लेट क्यों हो गए ऐसे? हाँ मेट्रो तो सुबह 6 बजे चालू हो जाती, पता है। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, करो ये थोड़ा दिमाग का क्वेश्चन है, पर तुमने ये रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगा लिया फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे नहीं बताओ, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए यही होगी, देखो ये तो रेस्ट में है तो अभी ये ग्राउंड फ्रेम ही है ना, एक तरह से अभी के लिए ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो यही होगी ना, ए के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, ए की फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए की फ्रेम में एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, जीरो, मतलब इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी तो यही होगी क्योंकि वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल और इस पार्टिकल की वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तो यही होगी। लिख ही देता हूं मैं, नहीं आ रहा तुमको कुछ समझ में, एक्सेलरेशन तो जीरो क्लियर दिख रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूं तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और ए की वेलोसिटी कितनी थी स्टार्टिंग में, जीरो, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी इस वेलोसिटी के बराबर हो गई ना, तो आप सोचो एक्सेलरेशन जीरो है तो ए के रिस्पेक्ट में पार्टिकल ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, वन और टू में से कौन सा सही होगा, कौन सा पाथ सही है, वन और टू, ए के रिस्पेक्ट में कौन सा पाथ सही है, वन है या टू, वन, ये सही है, समझ में आ गया, क्यों एक्सेलरेशन तो जीरो है ना जब, अच्छा वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन चेंज करता है, मैंने क्या पूछा, किसकी फ्रेम में पूछ रहा हूँ मैं, हमेशा क्वेश्चन है ए के रिस्पेक्ट में ना, तो ये क्या होगा, दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल, लिख लेना दोनों पता होनी चाहिए सब चीजें ना, दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल किसकी फ्रेम में, किसकी फ्रेम में है भाई ये, विद रिस्पेक्ट टू ए, ए की फ्रेम में ऐसा होगा, और ये कब होगा, दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ये भी गलत नहीं है, ग्राउंड फ्रेम तो गलत दोनों नहीं है भाई, अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करते तो ये मान के सॉल्व करते खतरनाक सी इक्वेशन विक्वेशन लगा के आंसर निकलता, पर एक ही फ्रेम में तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, यही तो होता है एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, आया क्या समझ में। अच्छा तो असलियत में कौन सा पाथ है, ये वाला पाथ असलियत है या ये वाला पाथ असली है, भाई दोनों असली है, जितना सही है उतना ही सही है, ये चीज फील करो, हाँ हर चीज फ्रेम के रिस्पेक्ट में होती है, ये कि नहीं ये ज्यादा सही बात है, अरे ये भी उतना ही सही है, अरे तुम फील ही नहीं करते ना कभी वेलोसिटी को, फील करा होता तो चीज आसान हो जाए दुनिया में, पर ठीक है। अब मिनिमम सेपरेशन बताओ इन दोनों के बीच में क्या है, ये तो यहीं पर रहेगा इसकी फ्रेम में, इसकी फ्रेम में ये तो यहीं रहेगा, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो मिनिमम सेपरेशन तो देखो यही होता है भाई, परपेंडिकुलर डालते हैं तो इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन तो यही है आर मिनिमम, है ना, ये डिस्टेंस 40 है, ये 37 है, ये 37 है तो ये 53 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 37, तो आर मिनिमम इज नथिंग बट 40 cos 37, कितना होता है cos 37, तो कितना आ गया 32 मीटर, तो मिनिमम सेपरेशन इतना होगा दो पार्टिकल्स के, देखो वेलोसिटी की तो कोई इक्वेशन लगी नहीं, देखो लगी क्या, सीधा आंसर निकल गया ना, तो ये है पार्टिकल्स के बीच का मिनिमम सेपरेशन, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। हाँ बी के रिस्पेक्ट में देखो तो ए ऐसे जा रहा होगा, बी के रिस्पेक्ट में देखते तो बी यहीं रहता, ए ऐसा जाता अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो अब इसमें एक चीज़ और देखो, तो इसमें भाई 20 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, देखो इससे बस इतना फर्क पड़ा है, ध्यान रखना कि जितनी देर में ये मिनिमम सेपरेशन हो रहा है उतनी देर में कोई भी पार्टिकल ग्राउंड से ना टकराया, क्योंकि असलियत में तो ये ऊपर जाके ये भी नीचे आएगा ये भी गिरेगा, समझ रहे हो ना, अरे ये पार्टिकल ऐसे जाके गिरेगा और ये पार्टिकल भी नीचे गिर रहा है, क्योंकि जैसे ही ग्राउंड से टकरा जाएगी कोई चीज़ फिर उसका एक्सेलरेशन जी थोड़ी ना रहेगा, जब ग्राउंड से टकराएगा तो नॉर्मल फोर्स वगैरह लगेगा, उस समय एक्सेलरेशन जी नहीं होता, तो हमने जो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो लिखा है वो उस वक्त वैलिड नहीं होगा, तो तुम्हें बस क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना है कि जो तुम कर रहे हो ना पूरी प्रोसेस, उस प्रोसेस में कोई भी पार्टिकल ग्राउंड से ना टकराए, क्योंकि जब तक ग्राउंड से नहीं टकरा रहा जब तक वो हवा में तब तक रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, जैसे वो ग्राउंड से टकरा गया रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहेगा और ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। इसमें तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके गिरने में कुछ टाइम लगेगा, कितना रूट टू इंटू 40 बाई जी लगेगा, रूट 8 सेकेंड के अराउंड कुछ टाइम लगेगा, है ना, इसको नीचे गिरने में, और इसको भी नीचे गिरने में इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी देखो कितनी आ रही है 2u sin थीटा बाई जी, है ना, तो वो भी भाई ज़्यादा ही आ रहा है ना, जितनी देर में ये मिनिमम सेपरेशन आ रहा है, मिनिमम सेपरेशन आने में कितना टाइम लगेगा 40 sin 37,
मतलब कितना 24 मीटर है ना, तो 24 मीटर जाने में कुछ 1 सेकंड लगेंगे इसको, और उन सब की वजह टाइम ऑफ फ्लाइट तो इससे ज़्यादा ही है। तो कोई भी पार्टिकल है जब मिनिमम सेपरेशन आ रहा है उससे पहले कोई भी पार्टिकल ग्राउंड से नहीं टकरा रहा, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि जे एडवांस में ऐसी चीज़ें कर देते हैं है ना, क्योंकि जैसे ही टकरा गया फिर ये एक्सप्लेनेशन वैलिड नहीं है। क्लियर है क्या? बढ़े आगे।